नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन देख रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बेटा मैंने आपको बता दिया था आपका कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्या होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैसे होती है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसा उसका रोटर होता है, अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने देखा कि डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, जो मेरा पिछला वीडियो था आपने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले आप जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है बेटा उससे आगे के अपन देखेंगे, जो मैं कल आपको बार बार बोल रहा था स्लिप की वैल्यू कम होती है, टॉर्क होता है, ये क्या चीज होती है टॉर्क स्लिप, आज उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज रोटर के बारे में, कितना रोटर में करंट आती है, कितना उसका बात करें कि रेजिस्टेंस होता है, और कैसे उसमें टॉर्क आपका डेवलप होता है, वो चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं इसके चीजों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले वाला रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने आपको दो मोटर बताई थी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी दो प्रकार की, क्योंकि दो प्रकार के अपन ने रोटर यूज किए थे, सब जानते हो कि दो प्रकार के आपके रोटर थे, एक तो था स्क्वायर केज रोटर और एक था आपका वाउंड रोटर। स्क्वायर केज रोटर था तो उस मोटर को बोला जा रहा था कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बोला जा रहा था, जैसा रोटर वैसी मोटर, याद रखना। वाउंड रोटर वाली थी, वाउंड रोटर में बेटा अपन स्लिप रिंग यूज कर रहे थे, इसीलिए उसको बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मैंने आपको बताया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। कैसे होता है बताया आपको, किस प्रकार से होता है। बात करें आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, और अगर अपन कंपैरिजन करें दोनों मोटरों में तो सबसे बेटर जो मोटर अपने सामने जो आई थी वो मोटर आती है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, अपने पास उभर के आती है कि सबसे बेटर मोटर है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम था, किसका, स्क्वायर केज का। अब स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का अपने को टॉर्क को हाई करना था, टॉर्क को बढ़ाना था, तो अपन ने क्या किया, रोटर के अंदर दो खांचे बना दिए, मतलब दो प्रकार के स्लॉट बना दिए, एक तो आउटर केज था एक इनर केज था। आउटर केज में अपन ने क्या कर रहे थे, हाई रेजिस्टेंस की वाइंडिंग कर रहे थे, और इनर केज में लो रेजिस्टेंस की वाइंडिंग कर रहे थे, जिससे प्रारंभिक में ऊपर करंट चलती है ऊपर वाले केज में, जब रन हो जाती है मोटर तो नीचे वाले केज में करंट चलने लग जाती है, जिससे आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और मोटर में स्टार्टिंग पावर फैक्टर बढ़ जाता है और टॉर्क बढ़ जाता है। ये चीजें अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। चलो इसके बाद में आगे अपन चलते हैं कि एक आता है आपका स्लिप, एक होती है स्लिप रिंग जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में लगती है, और एक होती है स्लिप, हिंदी में बोलते हैं सर्कल। दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान से सुनना। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्लिप क्या होती है, तो आप पहले हेडिंग डालो बेटा स्लिप क्या होती है। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाला स्लिप। स्लिप को हिंदी में बात करें तो सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल। किसके द्वारा डिनोट करेंगे अपन, एस के द्वारा डिनोट करेंगे। ये सर्कल होती क्या है, स्लिप क्या होती है, तो बेटा आप जानते होंगे, मैंने आपको बातें बताई थी, दोबारा देखें कि बेटा ये आपका स्टेटर था, ये क्या है आपका स्टेटर है। स्टेटर को आप क्या कर रहे हो, थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हो, ये लो आर वाई बी, आपकी थ्री फेज सप्लाई से आपने स्टेटर को कनेक्ट किया। स्टेटर में आपकी थ्री फेज वाइंडिंग है, ये लो बेटा मैंने थ्री फेज वाइंडिंग बना दी स्टेटर में, कितनी फेज वाइंडिंग आपकी, थ्री फेज वाइंडिंग है, दो तीनों वाइंडिंग थ्री फेज की जो वाइंडिंग है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर स्थापित है, आप जानते हो है ना। इस स्टेटर पर जो वाइंडिंग की है इसका काम क्या है, इसका काम जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करना। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगी, ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस या नो, आप कहोगे यस सर। तो ये है आपका स्टेटर, और ये है स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस या नो, आपको भी यस सर, ये हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। यस, अब जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड आपका स्टेटर पर घूम रहा है, स्टेटर कैसा है, स्थिर है, पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, जो स्टेटर फ्लक्स जनरेट करता है, जो फ्लक्स को उत्पन्न करता है, वो फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है। और आपको मैंने बताया था एयर गैप में जो फ्लक्स घूमता है वो 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स के इक्वल होता है। स्टेटर पढ़ाया था उस टाइम, आपको एक बातें बताई थी मैंने और आपको याद भी होगी है ना। नहीं यार, नहीं देखा आपने वीडियो तो पिछला वीडियो जरूर देख ले बेटा, पिछले के थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सारे वीडियो जरूर देखे। ये जो आपका
फ्लक्स है ये क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसे बोलते हैं रोटेटिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं, रोटेटिंग फ्लक्स। इसकी जो स्पीड होती है, इस स्पीड को, या फिर अपन ऐसा कह दें कि स्टेटर के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है, उस फ्लक्स की जो स्पीड होती है, उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है जी, सिंक्रोनस स्पीड जी। फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का, तो आप सब जानते हो कि बेटा सिंक्रोनस स्पीड को मतलब ms के द्वारा दिखाते हैं, जो आप कई बार किताबों में स्टेटर स्पीड भी लिखा होता है। स्टेटर कभी घूमता नहीं है, स्टेटर आपका कैसा है, फिक्स है, घूमता है क्या, नहीं घूमता है। तो स्टेटर में कौन घूमता है, स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, जिसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ये सिंक्रोनस स्पीड किस पर डिपेंड करती है, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करती है 120 f/p, p मतलब होता है पोल, f होती है फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी पर, आपके नंबर ऑफ पोल पे, कि आपने इस स्टेटर के अंदर कितने पोल्स लगा रखे हैं, डिपेंड कर रहा है पूरी। यस सिंक्रोनस स्पीड हो गई। अभी मेरी बात सुनो, मैंने इसी के अंदर एक रोटर रखा होता है अपना, राइट। तो इसी के अंदर बेटा एक अपना होता है रोटर, और मैं यहां पर बना देता हूं रोटर। ये बेटा अपना क्या है, रोटर है जी। रोटर पर भी बेटा कैसी है, वाइंडिंग कर रखी है अपन ने। रोटर पर भी कैसी वाइंडिंग कर रखी है जी, ये लो वाइंडिंग कर रखी। हो सकता है आपका रोटर डबल केज का हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है स्लिप रिंग का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तीन प्रकार के रोटर बताए हैं, तो मोटर भी उतनी तीन प्रकार की थी। आप इन तीनों रोटर में से कोई भी एक रोटर यहां पर पुट करोगे कि नहीं करोगे, आपको भी यस सर। ये मतलब हमारा क्या है, एक प्रकार का ये रोटर है, अंदर रोटर है, यस। अब आप कहते हो सर रोटर होता है, और मोटर में रोटर ही क्या करता है आपका, घूमता है जी। घूमता है नहीं घूमता, रोटर ही तो घूमता है। तो रोटर की जो स्पीड होगी बेटा, वो रोटर की स्पीड मैंने मानी, यहां पर लिखा रोटर स्पीड, और रोटर स्पीड को मैंने लिखा nr, हो गया। तो आपको भी यस सर। अब मेरी बात सुनो, जिस स्पीड पे आपका चुंबकीय फ्लक्स घूमता है, उस स्पीड पे आपका रोटर कभी भी नहीं घूमेगा। उससे कम स्पीड से आपका क्या करता है, रोटर घूमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुने, कि जो आपका स्टेटर का जो फ्लक्स घूमता है उसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जो रोटर घूमता है वो रोटर स्पीड हो गई। दोनों आपके एक समान कभी भी नहीं घूमेंगे, क्या नहीं करेंगे, दोनों एक समान कभी भी नहीं घूमेंगे। मतलब जितनी स्पीड आपके स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स की होगी, उतनी आपकी रोटर की नहीं होगी। क्योंकि अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई, तो बेटा फ्लक्स कटना बंद हो जाएगा और मोटर आपकी रुक जाएगी। थोड़ा सा अंतर रहता है कि इस सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में, रोटर स्पीड आपकी थोड़ी कम होती है, सिंक्रोनस स्पीड आपकी थोड़ी ज्यादा होती है। तो दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो प्रतिशत का अंतर है, वो ही आपकी स्लिप कहलाता है। स्लिप क्या कहलाता है, कि आपकी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का जो प्रतिशत अंतर है, उसे ही स्लिप कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे बेटा। अब पता चला कि आपका स्लिप क्या होता है, तो यहां से लिखें, स्लिप में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड, बेटा सिंक्रोनस जो स्पीड है, इसे आप स्टेटर स्पीड भी बोल सकते हो, स्टेटर के मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है ना। भ्रमित मत हो जाना, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं किताब में, इसे सिंक्रोनस स्पीड के नाम से भी जानेंगे, इसे स्टेटर पूरा बड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको विजुलाइज हो जाए, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड भी बोलते हैं।
तो 3 बज नेक्स्ट ऑन सिंक्रोनस स्पीड स्पीड और रोटर स्पीड का प्रतिशत अंतर ही स्लिप कहलाता है, राइट? कैसा? प्रतिशत अंतर ही स्लिप कहलाता है। तो बेटा देखो कैसे निकालते हैं। मैंने बोला जी स्लिप किसके द्वारा डिनोट करना है, एस के द्वारा। ज्यादा स्पीड किसकी है तो आपको भी सर एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ज्यादा है रोटर से। तो बेटा मैंने लिखा यहां पर यू लिख दें सिंक्रोनस स्पीड माइनस कर दो रोटर स्पीड को, मतलब जो रोटर की स्पीड उसको माइनस करो, प्रतिशत निकालना है तो बटा में क्या देगा आपका सिंक्रोनस स्पीड इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा 100। ये जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है ये होता है स्लिप का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल है। स्टेटर की जो स्पीड है या स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है या सिंक्रोनस स्पीड है उसमें से रोटर स्पीड को माइनस कर दो, प्रतिशत निकाल लो, वो आपकी स्लिप हो गई। यस या नो? आपको भी यस। तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एस मतलब स्लिप, परसेंटेज में निकाल लें, प्रतिशत लगाएंगे यहाँ, ये लो प्रतिशत लगा के परसेंटेज में निकालना है। तो क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड एन एस से लिखते हैं, रोटर स्पीड को एन आर से लिखते हैं, इनटू बेटा एन एस इक्वल्स यस या नो? तो आपको भी यस सर। तो बेटा ये लो फॉर्मूला हो गया, आपका जो मन करे वो फॉर्मूला आप यहाँ से याद कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट आपका स्लिप का फॉर्मूला भी पूछा गया है। आप अपनी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, आपके बेटा अब होने लग जाएंगे धीरे धीरे सारे, ठीक है ना? तो जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। जल्दी नोट करें बेटा आपके, तो यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा, आगे देखते हैं अपन इसको रफ करते। तो बेटा देखिए इसको मैं करता हूं, ठीक है? अब बेटा और स्लिप से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं जी, कई बार क्वेश्चन आता है जी, फॉर्मूला तो आपने देख लिया जी, फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्मूला आपको आ गया, आपको पता चल गया सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, आपकी रोटर स्पीड क्या होती है, जो रोटर जिस स्पीड से घूमेगा वो रोटर स्पीड है ना? ये बातें तो आपको चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पता चल गई है। अब कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो स्लिप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपकी एक। कैसे होती है मैं बताता हूँ, ठीक है ना? सब चीजें देखिए बेटा एक एक प्रूव करके देखिए, तो यहाँ लिख दें स्लिप की मैक्सिमम, हिंदी में बोलते बेटा अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू एक होती है। अब कैसे होती है सुनना, मैक्सिमम वैल्यू एक कैसे होती है आपको पता है, फॉर्मूला आप जानते हो सारे, क्या होता है बेटा? तो आपको सर स्लिप इक्वल होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। सर हमारे पास फॉर्मूला ये है, कौन सा फॉर्मूला है? तो आपको कि सर हमारे पास तो फॉर्मूला ये है कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू हमारा सो, यस या नो? तो आपको भी है। अब बेटा मेरी बात सुनो कि मैं ऐसा कह दूं कि मेरा रोटर की स्पीड जीरो है, जी रोटर मेरा घूम ही नहीं रहा है, स्लिप ज्यादा ज्यादा प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जब अपना रोटर घूम ही नहीं रहा है, रोटर जब बंद है, मोटर अपन ने चालू ही नहीं किया, रोटर बिल्कुल आपका घुमा ही नहीं है, मोटर आपकी बंद है, उस टाइम क्या होता है, रोटर घूम ही नहीं रहा है, मतलब रोटर की स्पीड कितनी है आपको भी जीरो। तो बेटा इस फॉर्मूले में पुट करके देखो ना, एन एस माइनस जीरो अपॉन एन एस इनटू सो, तो एन एस कैंसिल हो गया तो कितनी स्लिप आ गई आपकी 100%। 100% का मतलब होता है आपकी स्लिप की वैल्यू कितनी है, एक। कितनी है? एक। तो आपके ध्यान रखना मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है या 100% होती है, 100% मतलब आपका एक वैल्यू होती है स्लिप। ओके
यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को नोट कर लें, इस लिप की वैल्यू मैक्सिमम एक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है, ये बातें देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा स्टार्टिंग के टाइम होती है, जब मोटर चलना अपने सप्लाई देती है। और मोटर आपकी अभी रोटर घुमा नहीं है, घूमने वाला है, उस टाइम आपकी स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब मोटर में जो स्लिप की वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग के टाइम ज़्यादा होती है, और जब लोड बढ़ता है तब आपकी स्लिप की वैल्यू बढ़ जाती है। ये तो बेटा डिपेंड करेगा अपने लोड पर भी डिपेंड करेगी और स्टार्टिंग के टाइम पर भी डिपेंड करती है स्लिप को। अब लोड पे कैसे डिपेंड करती है, आगे आपकी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, ये याद रखना। और यहाँ से लिखते हैं कि स्लिप की वैल्यू मिनिमम जीरो होती है, ये सब जानते हैं। कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, यस या नो। ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटर में स्लिप का मान 6% तक होता है, और बड़ी मोटर में अगर पूछे आपको, ऐसा पूछ लेता है बेटा कई बार कि बड़ी मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, बड़ी मोटर में स्लिप का मान 2% तक होता है। छोटी मोटर में स्लिप ज्यादा होती है, बड़ी मोटर में स्लिप आपकी कम होती है। ओके, जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं स्लिप में से। जल्दी से नोट करें, फिर देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, कितनी स्लिप निकल के आती है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको वीडियो को पुश करना है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो करें फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पे नोट हो गया, देखो बेटा स्लिप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपका स्लिप का पूछता कैसे है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चीज है। चलो इस तरफ कर देते हैं, ये चीजें आपके सारा क्वेश्चन में आ गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है, एक क्वेश्चन सुनने बेटा क्या है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड 1460 आरपीएम है तथा इसमें पोल 6 है और 6 नाली के बेटा चार पोल है तथा और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब 50% आवृत्ति पर आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है तो स्लिप का मान ज्ञात करो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आपके आईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। अब देखो बेटा आईटीआई में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि न्यूमेरिकल से बच्चा बहुत डर जाता है। डरना नहीं है आपको, आपको जो पहले एग्जाम में या फिर आपके क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है उस चीज़ को आप नोट करें कि अपने को दिया क्या क्या गया है। तो बेटा देखो उसमें दिया क्या गया है, तो आपको ये देखो स्पीड दी गई है। तो बेटा अपन तो देखो मोटर में दो स्पीड पढ़ चुके हैं, एक तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड देख चुके हैं, एक आपकी रोटर स्पीड देख चुके हैं। तो आपको ये चीज तो पता होगी कि सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है और आपकी रोटर स्पीड कौन सी होती है, जी आपको ये पता है। जी सर, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है ना वो सिंक्रोनस स्पीड है, आप ये कहोगे। जो हमारा रोटर घूमता है वो मोटर की स्पीड है, और हमेशा अपने को जो दी जाती है ना, याद रखना
एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। जो आपको पर्सन में जो स्पीड दी जाती है ना, वो रोटर की स्पीड दी जाती है। किसकी दी जाती है? वो रोटर की स्पीड आपको दी जाती है। तो यहाँ से बेटा आपको जो स्पीड दी गई है ना, ये रोटर की स्पीड दी गई है। किसकी स्पीड दी गई है? रोटर की स्पीड। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से आप लिखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। तो दिया क्या क्या गया, मैं यहाँ से लिखता हूँ, मेरे को दिया गया है रोटर स्पीड है। क्योंकि बेटा जो पेपर में आपके एग्जाम में जो स्पीड दी जाती है वो रोटर स्पीड होती है। मतलब रोटर स्पीड मैं किससे लिखता हूँ? रोटर स्पीड को एनआर से। कितनी देर की है? 1460 आरपीएम में। बिल्कुल 1460 आरपीएम। आपको पोल दे रखे हैं, पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और पोल आपके पास चार पोल है। आपके पास और क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोले तो बेटा आपकी आवर की फ्रीक्वेंसी, इसे एफ से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज। आपको निकालना क्या बेटा? आपको स्लिप निकालनी है। अब आपको सर हम इससे स्लिप कैसे निकालें, है ना? तो देखो अपने पास फॉर्मूला जो है उसी को पुट करना है। फॉर्मूला देखिए बेटा एक बार, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए स्लिप का फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, स्लिप परसेंटेज इक्वल क्या होता है? एन एस माइनस एन आर अपॉन आपका एन एस इंटू आपका स्लोप। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? मतलब आपकी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन आपकी सिंक्रोनस स्पीड, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो आपको भी ये सर ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखो बेटा अपने पास एन आर की स्पीड अपने को दी गई है जी, क्वेश्चन में दे रखी है जी। अपने पास अभी एन एस की स्पीड नहीं है, मतलब अपने सिंक्रोनस स्पीड नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी, तभी जाके बेटा ये स्लिप निकलेगी। तो आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, ये लो बेटा सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है आपकी? एन एस इक्वल क्या होती है? 120 f/p। आपको ये सर हमारी जो होती है वो होती है 120 f/p आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, है ना? तो यहाँ से मैं तुम्हें बताओ कि जो आपका एक फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको 50 हर्ट्ज। पी कितने हैं? 4 है। तो बेटा एन एस निकाल के देखो, एन एस इक्वल क्या हो गया? 120, एफ कितना है? 50, पी कितना है? 4। 4 × 4 = 12, 5 × 15 कितने आरपीएम आ गई आपकी? 1500 आरपीएम आ गई। सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ गई आपकी? 1500 आरपीएम आ गई। तो यहाँ से जो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 आरपीएम आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें और आपका आंसर निकालें। अब देखो कैसे निकलता है कि स्लिप निकालनी है, एस इक्वल क्या है? एन एस की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 1500 माइनस रोटर स्पीड कितनी है? 1440 बटा 1500 इंटू आपका 100। बेटा जैसे ही आप माइनस करोगे या परसेंटेज में निकलते हैं, परसेंटेज ज़्यादा या नहीं है, यहाँ से देखो 1500 माइनस 1460 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? तो आपको 40 बटा में बचेगा 1500 इंटू हमारा 100। 20 से 20 काटेंगे तो स्लिप इक्वल कितना बच गया बेटा? तो आपको 40 बटा में 15 बच गया। तो देखो बेटा कितनी आ रही स्लिप। अब यहाँ से 40 का अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूँ तो आपकी क्या जाएगी? परसेंटेज में स्लिप निकल जाएगी। तो देखो बेटा कितने आ जाएंगे, 15 × 15 और 15 × 30 वापिस आपको कितना बच गया? पॉइंट लगाया 100 गया। 15 × 15 = 90। ये लो बेटा आपकी इतने परसेंटेज स्लिप आ जाएगी, 2.66% आपकी स्लिप आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें सही है क्या। ओके तो ये थी आपके स्लिप। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके स्लिप के पूछे जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके तो ये नोट करें बेटा, इस प्रकार का आपका स्लिप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा और देखते हैं कि और बेटा रोटर फ्रिक्वेंसी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछता है या सिंक्रोनस स्पीड के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जल्दी से, आप यहाँ पर नोट करें फिर अपना आगे चले आइए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखें ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बुक्स में ऐसे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप अपने बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। वैसे डाटा चेंज हो सकता है, डाटा मैंने मेरे अकॉर्डिंग ले लिया है, आपकी बुक में थोड़ा अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस करें, नहीं आ रहा तो बेटा कॉमेंट जरूर करें कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो लेते हैं। चलो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने पास
देखें, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मोटर या मोटर आपकी 940 आरपीएम पर घूम रही है। कितने आरपीएम पे घूम रही है? 940 आरपीएम पे घूम रही है। तथा इसमें पोल 6 है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रही है? तो आपको सर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमारी कार्य कर रही है। तो अपने को निकालने क्या है? स्लिप निकालनी है। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे स्लिप। आपको जो दिया गया है उस चीज को नोट कर ले। जो क्वेश्चन में आपको स्पीड दी जाती है वो कौन सी स्पीड दी जाती है? तो आप सभी को पता है जी, हमारी सिंक रोटर स्पीड दी जाती है। तो यहाँ से मेरे को पता है कि मेरे को जो दी गई है वो रोटर स्पीड दी गई है। रोटर स्पीड की वैल्यू मेरे को 940 आरपीएम है, राइट? कितनी है आपकी? 940 आरपीएम। और क्या है आपका? पोल दे रखी है जी। पोल कितने हैं आपके? 6 है। और क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी आप दे रखी है कितनी है? 50 हर्ट्ज। आपको निकालनी क्या है? स्लिप निकालनी है। स्लिप का फॉर्मूला सब जानते हैं कि बेटा स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत स्लिप इक्वल होता है आपका एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इनटू आपका 100। अब आपको देखो रोटर की स्पीड दे रखी है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, डेट दो क्वेश्चन है। क्यों प्रोवाइड है दो क्वेश्चन? कि बेटा आपने ये क्वेश्चन आप खुद के मन से करें और आप इसका आंसर बताएं। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर बताएं कि इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताओगे आप कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहां से आपकी जो एनआर है, ये आपकी जो एनआर है ये अपने को वैल्यू दी गई है। ये एनआर की वैल्यू देखो बेटा कितनी दी गई है। तो आपको भी सर हमारी एनआर की वैल्यू 940 दी गई है। अब हम एनएस कैसे निकालेंगे? तो बेटा एनएस कैसे निकालना है मैं बता देता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी। तो बेटा यहाँ से निकालने की एनएस इक्वल देखो 120 50 बटा 6 इक्वल बेटा आपका 1000 आरपीएम आएगी। काट ली सूर्य की 6 × 6 = 12 = 20 5 × 10 1000 आरपीएम आ गई। तो यहाँ से आपकी स्लिप की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1000 माइनस आपका ये कितना है 940 आरपीएम बटा आपका 6 इंटू आपका 100। यस या नो? को भी यस सर। दोनों को बेटा माइनस करो तो कितना बच गया आपका? 1000 में से 940 चले गए तो आपको भी सर हमारे पास बच गए 60 अपॉन 6 इंटू आपका 1000। देखो 6 × 6 ये काटो बेटा कितने पे कट गया आपका? 10 पे कट गया। यस या नो? ये हो रहा है तो कितने में बेटा ये कितने पे कट गया आपका? 10 पे कट गया 6 × 6। इसके बाद में आप स्लिप की वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ गया। यस या नो? तो आपको यस सर हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी प्रॉपरली तरीके से। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट अपन चलते हैं आपकी रोटर स्पीड और रोटर फ्रीक्वेंसी पे, उसके क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां तक नोट करें बेटा जल्दी से। तो यहां तक आपका नोट हो गया, आगे चले। आगे देखिए अपन, आगे निकालो बेटा रोटर स्पीड। कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि सभी बच्चों का भला हो जाए। और थोड़े से व्यूज ज़्यादा आते हैं, लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो बेटा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम भी आपको नए नए अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहती है, हर कोई बच्चा देख सकता है। किसी भी कॉलेज का हो, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, सारों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये सेकेंड ईयर का मामला चल रहा है, सब जानते हैं ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप हेडिंग का रोटर स्पीड, क्या रोटर
स्पीड, मतलब रोटर स्पीड अपने को कैसे निकालनी है, जब अपने एनआर दी जाती है, ये अपने को एग्जाम में एक बार पेपर में दे दी जाती है, आपको एनआर स्पीड पूछ लेता है, तो वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंक अपने को निकालनी है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड का बेटा फॉर्मूला होता है, आपको नोट करना है, याद रखना है, रोटर स्पीड इक्वल होती है क्या आपकी सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस स्लिप, क्या होती है ये आपका रोटर स्पीड का फॉर्मूला है। यहाँ पर एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, जानते हो सिंक्रोनस स्पीड फॉर्मूला निकालना आता है आपको, स्टेटर की स्पीड, ये होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड और ये होती है बेटा आपकी स्लिप। जल्दी से नोट करें, अपन आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं आगे और क्या होता है। जल्दी नोट करें बेटा, आगे चले अपन। ओके, तो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट कि अपने पास कई बार रोटर फ्रीक्वेंसी से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक साथ करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन करूंगा मैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं आप रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर की आवृत्ति, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, रोटर आवृत्ति, रोटर फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलेंगे आप रोटर आवृत्ति। बेटा रोटर आवृत्ति को मैं एफ आर के द्वारा नोट करूंगा। रोटर आवृत्ति क्या होती है, सुनना कि रोटर आवृत्ति इक्वल होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या बेटा आप ऐसा भी कह सकते हो स्टेटर फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि स्टेटर को ही तो क्या कर रहे हैं, सप्लाई अपन सप्लाई देते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं, आप इन चीज को याद रखिए। आगे अपन इनमें क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कि आपको रोटर स्पीड किस प्रकार से फाइंड करनी होती है। चले तो जल्दी से नोट करें, आगे देखते हैं अपन। ओके चले, अभी देखते हैं बेटा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें आपको मैं दोनों चीजें बताता हूँ कि किस प्रकार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बेटा जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना, उतने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। तो इनकी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आप भी एक चीज याद रखें कि जो आपकी बुक है उसके क्वेश्चन ऐसे लगा के देखें, आपको जैसे पेज पलटोगे आप अपने बुक्स के, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वो क्वेश्चन आप करें एक बार, आपको 101% आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो बेटा आप एक बार कमेंट करें और मेरे को बताएं कि सर हमारे नहीं हो रहे। ओके, तो चले मैं बेटा इसको रफ कर देता हूँ, आगे देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन किस प्रकार का अपने पास पूछा जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अपने पास, यू क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को अपन हटा देते हैं सिर्फ बना। चलो क्वेश्चन लिखें, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर फोर पोल कोमा 50 हर्ट्ज और 2% या फिर बेटा 2% कर लें इसको या 4% कर लें, 2% स्लिप पर चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है, तो रोटर स्पीड और रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी याद करो, मतलब अपने को दो चीज निकालनी है यहां पर, आपको रोटर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और आपको रोटर स्पीड भी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखें, सिंपल क्वेश्चन है, दिया क्या 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 है उस चीज को पहले नोट करें बेटा। हमेशा अपने मन में ये जरूर रखें कि जो हमें दिया गया वो चीज अपने नोट कर दी, जिससे अपने को आइडिया लग जाता है कि अपने को क्या क्या निकालना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या क्या है, एक तो अपने को पोल दिया गया है,
जी पोल कितने हैं, तो आपको भी सर 4 पोल मोटर है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है रोटर की फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, ये आपकी दी जाती है मोटर की स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आप स्टेटर को जिस तरीके से सप्लाई से जोड़ रहे हो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, तो इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज है। तो ऑलमोस्ट हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो 50 हर्ट्ज का ही आता है, कई बार 60 हर्ट्ज का आ जाता है, तो उसको याद रखें ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है। नहीं दी जाती तो आप उसको 50 हर्ट्ज कैलकुलेट कर ले अपने मन से, ओके। कई बार एग्जाम में नहीं दी जाती फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज नहीं है बेटा। आगे और क्या देखते हैं, आपने स्लिप की वैल्यू दे रखी, ये लो बेटा स्लिप की वैल्यू कितने परसेंट है, 2%। आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है NR और एक निकालना अपने को रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तो निकालना है रोटर स्पीड और एक निकालनी अपने को रोटर है फ्रीक्वेंसी। ये लो बेटा अपने को दो चीज निकालनी है। कैसे निकालते हैं, सिंपल है, हार्ड नहीं है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रोटर की स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। तो बेटा देखो, आपको रोटर स्पीड का अगर फॉर्मूला याद है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो रोटर स्पीड किससे डिनोट करते हैं, तो आपको NR बराबर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड, मतलब NS सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस S मतलब स्लिप, आपका ये रोटर स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो बेटा आपका स्लिप का मान देर है क्या, तो आपको ये सर 2% देर का ठीक है। बेटा आपको NS का मान दे रखा है क्या, तो आपको सर हमें NS का मान नहीं दे रखा है, सिंक्रोनस स्पीड हमें नहीं दे रखी है, तो अपने को सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी यार। अब अपन सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनना, कि जी साहब हमारे पास NS नहीं है तो हम NS निकालेंगे, तो मैं NS निकालता हूं। NS क्या होता है, 120 f/p, यस या नो। तो आपको भी इस तरीके फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का ना, और आपको याद भी हो गया होगा, अपन बेटा इस चीज को याद कर लें, 101% क्वेश्चन एक आपका यहाँ से पुटअप जरूर होगा, ये मेरा दावा है ठीक है ना। तो यहाँ से देखें बेटा NS इक्वल क्या हो गया, 120, फ्रीक्वेंसी कितनी है तो आपको भी 50 हर्ट्ज, पोल कितने तो बेटा 4 है, 4 कम 4 4 किया 12, 30 बच गए तो 5 किया 15, कितने आरपीएम आ गई 1500 आरपीएम, मतलब जो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है वो आपका 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है आपका, 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। ये जो 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो अपन यहाँ पर NS की वैल्यू अपने को मिल गई 1500 आरपीएम, ओके, ये अच्छी चीज मिल गई। तो यहां से मैंने लिखा कि मेरे को NR निकालना है, तो NS की वैल्यू कितनी निकली मेरी 1500, कहां से, ये नहीं बेटा 1500 आपने निकाली है अपने डाटा से निकाली है, ब्रैकेट लगाओ, ये एक है ये माइनस है। अब आपको भी सर स्लिप, तो यहां पर तो प्रतिशत में स्लिप है, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है स्लिप में क्या, तो आपको भी नहीं सर प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, तो प्रतिशत नहीं लगा हुआ है तो मेरे को यूं बताओ कि प्रतिशत यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं प्रतिशत देखो बेटा प्रतिशत में दे रखी है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए बटा क्या जाता है आपका 100, तो जैसे बेटा आप 2 में 100 का भाग लगाओ तो कितना क्या 0.02 आ जाएगा, यस या नो। तो आपको भी ऐसा मतलब स्लिप की वैल्यू आपकी 2% को आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.02 आ गई। अब स्लिप की वैल्यू पुट करो बेटा कितनी आ गई, 0.02 आ गई, आपको भी यस सर बढ़ा लीजिए थोड़ा, ये स्लिप की वैल्यू आ गई। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो NR इक्वल देखो बेटा कितना गया आपका 1500 × 1 माइनस। अब देखो एक में से आपका 0.02 चला गया तो कितना बच गया आपका, तो आपको उस डायरेक्ट पता है कि 0.98 बचता है सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ गया। तो NR इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपका, NR इक्वल आ गया अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पर पड़ी रहने देते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ 2 पॉइंट आपके 2 जीरो को खा गए, मतलब 15 × आपका 98 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा आपको, बिल्कुल सर हमारा आंसर आएगा, क्योंकि कोई लोचा ही नहीं है यार, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ से आएगा ठीक है ना। देखिए बेटा कितना आता है देख लेते हैं, 15 × 120 और 15 × 135 145 147, तो 1470 आरपीएम आपकी स्पीड आ गई, यस बेटा इतनी आएगी ना, कैलकुलेट करके देख लें एक बार, कहीं बेटा मिस्टेक ना हो जाए आपके मल्टीप्लाई में ठीक है ना। तो 1470 आरपीएम आएगी, एक बार चेक कर लें आप, ठीक है ना।
तो ये आपकी 1400 आरपीएम के आगे रोटर स्पीड आपके पास आ गई। जी पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया रोटर स्पीड निकाल ली। अब अपन को निकालना है रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को यहां से बेटा क्या करना है, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी। जी मेरा दो नंबर क्वेश्चन आप लेके आ रहा हूं मैं, मेरे को निकालना है। चलो यहां पर मैं करके बेटा इधर फॉर्म जगह पड़ी है यहां पर। दो नंबर है रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर की आवृत्ति। आप जानते हैं रोटर आवृत्ति FR इक्वल होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू आपकी स्लिप। यस या नो? आपको यस है तो बेटा दिस वैल्यू पुट कर लो यार। दोनों सारी चीजें देखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए, 58 देखिए, स्लिप आपकी कितनी निकली। देखो आपको बस 2% नहीं लिखना है, याद रखना है परसेंटेज पर आना, 0.02 आ गई। तो यहां से मल्टीप्लाई करो 0.02 से, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल कितनी आ गई बेटा, तो आपकी आ गई यहां से 5×10 ये लो हो गया। और 2 से क्या पॉइंट है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आई आपकी 1/8। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/8। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपका रोटर गति करने लग जाता है, जिससे आपकी स्लिप घटती है और आपका क्या हो जाता है, रोटर फ्रीक्वेंसी घटने लग जाती है। पहले रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर होती है स्टार्टिंग के टाइम, है ना। तो यहां तक आप नोट करें, यह था आपका स्लिप, रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और आपके रोटर फ्रीक्वेंसी में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहां तक प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करें, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि सर हमें किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आई होप यहां तक आपने नोट भी कर लिया होगा, सभी बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में भी आया होगा। और अपनी किताब के क्वेश्चंस बेटा जरूर करें और मेरे को फीडबैक जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हो। नहीं बेटा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके प्रॉब्लम आती है तो मेरे मेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है eng.ramda@gmail.com। इस आईडी पे मेरे को मेल कर दें, मैं आपको आंसर दे। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर भी बेटा क्वेश्चंस जरूर करें आप, प्रॉपरली तरीके से नोट्स बनाएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, हर किसी बच्चे का फ़ायदा हो यहाँ पर। जितने ज़्यादा व्यूज कॉमेंट आते हैं उतना बेटा हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हम थोड़ी अच्छी चीज़ें लेके आए आपके लिए। तो मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।